श्री राम जय परशुराम आपके सभी। जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा ने सभी जम्मू वासियों से 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर में भगवान राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को उत्सव की तरह मनाने का आह्वान किया है। जम्मू में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष पंडित अतुल शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा 22 जनवरी को पंडित प्रेमनाथ डोगरा चौक जम्मू में भव्य कार्यक्रम का आयोजन करेगी, जिसमें पंडित तृप्त शास्त्री जी द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। अतुल शर्मा ने कहा कि सनातनियों के 500 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद ये दिन आया है और हर भारतवासी को इस दिन को उत्सव की तरह मनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा द्वारा इस उत्सव को भव्य बनाने के लिए कई कार्यक्रम किए जाएंगे और बड़े LED स्क्रीन लगाकर अयोध्या में श्री राम मंदिर में भगवान राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा। अतुल शर्मा ने जम्मू वासियों से इस उत्सव को और भव्य बनाने के लिए पंडित प्रेमनाथ डोगरा चौक में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर शामिल होने की भी अपील की। क्योंकि उसके बाद वहां पे मुहूर्त का समय भी है, मुहूर्त के बाद हम सारे एक विशाल LED 10 फुट की यहां पे चौक पे हमने GMC से भी परमिशन ले रखी है, प्रशासन से भी, और उसके बाद बड़ी विशाल LED पे हम एक सामूहिक जो भी निमंत्रित हमारे वहां पे लोग आएंगे उनको दर्शन भी कराने का हम एक माध्यम बनेंगे। राम भगवान की जो पहली झलक होगी उस विशाल LED पे हम लोग दर्शन करवाने का माध्यम बनेंगे, और उसके बाद जो माननीय प्रधानमंत्री का जो भाषण होगा, संबोधन होगा उस दिन, वो बड़ा ऐतिहासिक होगा, और आपके माध्यम से हम लोग उसी LED पे उसका भी प्रसारण हम लोग करवाएंगे, और उसके बाद हमारे सभा के चीफ पैटर्न गुरु पद्मश्री डॉक्टर विश्वमूर्ति शास्त्री जी आदरणीय, उनको उनका भी एक संबोधन रहेगा वहाँ पे, और उसके बाद हम लोग श्री राम लला की आरती होगी, राम भगवान की आरती होगी, आरती के बाद उसका संपूर्ण करके हम लोग वहाँ पे भंडारे का आयोजन है।